उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। पुलिस मुख्यालय देहरादून में उन्होंने बतौर डीजीपी अपनी अंतिम प्रेस वार्ता की है। उन्होंने कहा कि मैंने 35 साल पुलिस की वर्दी पहनी है, पुलिस की सेवा की है और उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए हमेशा प्रयास किया। ऑपरेशन मुक्ति, ऑपरेशन प्रहार और ऑपरेशन स्माइल समेत कई अभियान चलाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नशा, ट्रैफिक और साइबर क्राइम पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनी। उन्होंने कहा कि कोविड और उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी। उस दौरान कुंभ मेले का आयोजन तो शायद ऐसी चुनौती थी जो हर किसी को अपने कार्यकाल में शायद ही देखने को मिले। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखो, यहाँ की तीन चुनौतियाँ तो बड़ी हैं जो हमने भी मानी थी, पर मैं खुद कह रहा हूँ कि उसको कोई मैं कह सकूँ, क्लेम कर सकूँ कि मैंने 100% सोल्व कर दी। ट्रैफिक, ड्रग्स और साइबर, तो वो अभी भी कंटिन्यूड है। हमने ये जरूर है पूरा सिस्टम बना दिया, पैरा फर्नेलिया बना दिया, देश के टॉप साइबर कॉप्स में से एक हमारे हैं यहाँ पे, आप जानते हैं, क्योंकि तो हमने इन लोगों को आगे बढ़ाया, पूरी टीम बनाई है, पर वो अभी भी चुनौती खड़ी है। तो आने वाले के लिए चुनौतियाँ बनी रहेंगी, पुलिस तो चुनौती से हटके हो ही नहीं सकती।